क्विक मलपुरा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। नमस्कार मित्रों, मैं चोप सिंह सक्सेना। इस समय आप मेरे साथ आगरा शहर से 7-8 किलोमीटर दूर दीक्षा केसिया टाउन के गेट पर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी कॉलोनी की महिलाएं एकत्रित हैं और इन लोगों का कहना यह है कि हमको मात्र 6 से 7 घंटे ही विद्युत विभाग द्वारा बिजली उपलब्ध की जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 18 और शहर में 24 घंटे बिजली का प्रावधान है। यहाँ पर जो बिजली सप्लाई हो रही है वह बाध फीडर से, गांव रोहता बाध फीडर से हो रही है और ये रोहता क्षेत्र में आता है, परंतु यहाँ जबरदस्त कटौती के कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आइए जानते हैं लोगों की राय। हम पढ़ नहीं पाते, लाइट चली जाती है, फिर गर्मी लगती है हम लोगों को, क्योंकि फिर मर जानी चाहिए, क्योंकि फिर गर्मी लगती है और हम लोग टीवी में नहीं देख पाते, लाइट भी इतनी चली जाती है, फिर इन्वर्टर आ जाता, फिर इसलिए हम लोग गाँव मैम आज जो आप यहाँ केसीआर के गेट पर एकत्रित हुए, इनका क्या उद्देश्य, आप क्या चाहते हो? हमारा जो रोहता केसीआर दीक्षा केसीआर टाउन है, इसमें हम 5 सालों से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की बिजली की इतनी कटौती होती है कि हम परेशान हो जाते हैं, 3-4 दिन नहीं आती कोई प्रॉब्लम हो, और वैसे रोज़ ही हमारे बस 5 से 7 घंटे की आपूर्ति हो पा रही है, और ये सिर्फ हमारे आगरा शहर से 7-8 किलोमीटर दूर है। हम पूरे पैसे दे रहे हैं, पूरा बिल दे रहे हैं बिजली का, और वही रेट दे रहे हैं जो कि टोरेंट पावर का शहर में है, लेकिन फिर भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये क्यों है ऐसा? मैम क्या इसकी आपने किसी से शिकायत की है? अभी तक तो कुछ ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन ये पहली बार ही है। हम लोग हमेशा सोचते रहे कि ये ठीक हो जाएगा, ये दक्षिणांचल की लाइट है, हम चाह रहे हैं टोरेंट पावर आए, ताकि हम इस तरीके से परेशानी और नहीं सामना कर पाए। विधायक जो हमारे एक बार सकल दिखा गए, दोबारा दिखाई नहीं, और इस बार हम वोट देने की उसमें नहीं है। नहीं, आपने विधायक ने आपसे कोई वादे किए थे? विधायक ने लाइट वाइट सारे 24 घंटे लाइट आएगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इस बार सोच लिया, अब की बार हम गेट का लॉक करेंगे, और 1000 वोट है इस कॉलोनी में, बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा। नहीं, मैंने सुना है कि विधायक जी के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, आप लोगों ने क्या शिकायत की थी इस बात की? विधायक जी के साथ बैठने के लिए भी हम लोगों ने कहा था, लेकिन उन्हें टाइम ही नहीं है, उसके बाद शक्ल ही नहीं देगी, हमारे विधायक जी कहाँ गए? जब वोट मांगने आते तब बहुत टाइम होता है। आप क्या कहना चाहते हो लाइट के बारे में? यही कहेंगे कि ADA अप्रूव कॉलोनी है, कायदे से तो लीगली वे से ADA अप्रूव कॉलोनी में टोरेंट पावर आनी ही चाहिए। हमें 6 साल हो चुके हैं इस कॉलोनी के अंदर, हमें इसी आश्वासन पे हमने यहाँ मकान लिया था कि टोरेंट पावर आएगी और होगा, बट इतना विकास हो गया, सब हो गया, इतना डेवलपमेंट हो गया, लोग इतने आवासीय लोग आ चुके हैं, बट टोरेंट का नामो निशान नहीं है। ये आगरा शहर से कितनी दूर है? जो 11 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप 6 किलोमीटर मानिए, आपका यहाँ तक रोहता नहर तक तो टोरेंट पावर है, पर अंदर आने के लिए क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता। और बल्कि हम ADA अप्रूव कॉलोनी में रह रहे हैं, लीगली वे से तो हमें मिलनी चाहिए, और इससे कितनी परेशानी बच्चों के लिए, कितनी परेशानी हो रही है, सब कुछ है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहती हूँ कि लाइट की वजह से मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे रोज 4-5 दिन के लिए तो रेगुलर में लाइट चली जाती है, जरा सा मौसम खराब हुआ नहीं तो 8-10 दिन के लिए भी चली जाती है, 8-8 दिन के लिए हम लोगों ने लाइट बंद कर ली है, और कहाँ तक तो इन्वर्टर चलेगा, कहाँ तक जनरेटर चलेगा, बच्चों के साथ कितनी परेशानी, तो एग्जाम टाइम पे बच्चों हम बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाएं हम? अच्छा मैम, अभी जो इससे पहले लाइट कितने के दिन के लिए कटी थी, कितने घंटे के लिए कटी थी? 7-8 दिन के लिए पहले कटी थी, और कटौती तो होती रहती है, 1 मिनट के लिए आएगी, 10 मिनट के लिए चली जाएगी। रात में कल जो बरसात हुई थी ना, उसमें तो सुबह कल शाम की गई थी, परसों शाम की गई हुई, कल शाम को ही 4 बजे लाइट आई है, और 24 घंटे बाद आई है, और उस प्रॉपर नहीं थी, वो भी आ रही जा रही, बार बार ये कर रही थी, और उसमें भी ये होता है कि रात में कौन से काटने की दुख होती है, जब जेंट्स लोग आराम करने का टाइम होता है, काम करके आते हैं रात को, 11 बजे लाइट कटती है, 1 बजे आ रही है, 2 बजे आ रही है, कभी 12 बजे कट रही है, 3 बजे आ रही है, सुबह बच्चों का स्कूल होता है, इतनी परेशानी होती है कि टाइम से नींद पूरी नहीं हो रही, मतलब काम सारे ढंग से हो ही नहीं पा रहे, बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, जो कि एग्जाम टाइम में बच्चों का इतनी काटोगे तो कैसे काम चलेगा? बस भैया, तो यही सब कहना चाहते हैं विद्युत विभाग, हाय हाय, विद्युत विभाग, हाय हाय, दक्षिणांचल, हाय हाय, दक्षिणांचल, हाय हाय।